आप सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और स्वागत है आपका अपने चैनल के सीएल ट्यूटोरियल में। आज हम बात करेंगे, फार्माकोलॉजी पढ़ रहे थे हम लोग, यूनिट नंबर 4 चल रहा था और यूनिट नंबर 4 में हम लोग हार्मोन्स की बात कर रहे थे, पैराथायराइड हार्मोन, कैल्सिटोनिन और विटामिन D3। तो पैराथार्मोन की बात हो चुकी थी लेक्चर में, आज के लेक्चर में हम लोग कैल्सिटोनिन और विटामिन डी की बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले बात करेंगे कैल्सिटोनिन की। तो जो कैल्सिटोनिन होता है दोस्तों, एक ये भी एक हार्मोन है जो कि आपको देखा है, पता है कि ये प्रोटीन होता है, प्रोटीनियस नेचर का हार्मोन होता है। इसका मेन काम होता है कि ये ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। कैसे कम करता है? क्योंकि ये हमारे ब्लड से बोन में कैल्शियम को रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, जिससे और यूरिन के द्वारा, किडनी के द्वारा इसका सिक्रेशन को भी बढ़ाता है, एक्सक्रीशन को, जिससे ब्लड में कैल्शियम का लेवल जो होता है धीरे धीरे कम होता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा होने से भी दिक्कतें हो सकती हैं, तो ये इसका मेन काम होता है। ये पैराथायराइड हार्मोन के जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक है। इसके कुछ फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, बॉडी के अलग अलग पार्ट में से कुछ एक्शन है, इसको भी हम देख लेते हैं आसान भाषा में। पहला है इसका कि इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन विथ ऑस्टियोपोरोसिस। आपने देखा होगा कि जो औरतें होती हैं, अक्सर मैक्सिमम औरतें जो आफ्टर मेनोपॉज यानी कि पोस्ट मेनोपॉज, मतलब जब उनकी प्रेगनेंसी या उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जब बंद हो जाती है कम्प्लीटली, तो उस केस में क्या होता है कि उनको बुढ़ापे में उनको ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है, घुटने में दर्द होता है, हाथ पैर में चलने में दिक्कत होती है। तो ये प्रॉब्लम बेसिकली कैल्सिटोनिन के कारण होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस लीड्स टू ब्रिडल एंड इजिली फ्रैक्चर्ड बोन एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज्ड बोन मास अलोंग विद आर्किटेक्चरल ब्रेकडाउन ऑफ द बोन्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली हड्डियाँ बहुत कमज़ोर हो जाती हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, और हड्डियाँ कमज़ोर होने के कारण उसका ब्रेकडाउन भी आसानी से हो सकता है। दिस इज द कॉमन फ्रैक्चर साइट इंक्लूडिंग द वर्टिब्री, हिप, फोरामेन ऑफ रिस्ट, ठीक है। बेसिकली वर्टिब्री, हिप और फोरामेन ऑफ रिस्ट में ज़्यादा मैक्सिमम फ्रैक्चर होता है। और जो मोस्ट कॉमन ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होता है वो बेसिकली पोस्ट मेनोपॉजल फीमेल्स में होता है, जब उनके बॉडी में बोन का रीअब्जॉर्प्शन बाय द ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बढ़ जाता है, जबकि ऑस्टियोब्लास्ट के कंपेयर में, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट का फॉर्मेशन घटता है और ऑस्टियोक्लास्ट का फॉर्मेशन बढ़ता है। तो ऑस्टियोक्लास्ट जो होता है वो बोन ईटिंग सेल होते हैं जो बोन को नष्ट करते हैं, और ऑस्टियोब्लास्ट जो होते हैं बोन फार्मिंग सेल होते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्युफैक्चर्ड कैल्सिटोनिन कैन इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी, ठीक है। इसी केस में क्या करते हैं, हम लोग कैल्सिटोनिन ड्रग देते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं ईजिली, तो जो हेल्प करता है, ठीक है। दूसरा इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें फ्रेंड, तो मेंटेनेंस ऑफ कैल्शियम बैलेंस इन द बॉडी, ये हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम को बैलेंस करता है। आपको पता है कि जो कैल्सिटोनिन होता है वो पैराथायराइड हार्मोन का जस्ट अपोजिट काम करता है, जो कि ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। तो क्या करता है, जो कैल्सिटोनिन क्या करता है, कैल्शियम के लेवल को घटाता है। तो इस तरह से ये हमारे बॉडी के अंदर दोनों बैलेंस काम करके हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के लेवल को ना घटने देता है ना बढ़ने देता है, एक बैलेंस बनाकर चलता रहता है। इसका तीसरा फंक्शन है इफेक्ट ऑन किडनी। क्या होता है, बेसिकली जो आपका कैल्सिटोनिन का बहुत ज़्यादा असर है क्योंकि किडनी पे होता है, क्योंकि किडनी जो होता है वो मिनरल्स और कैल्शियम का एक्सक्रीशन करते हैं। तो क्या करता है, ये रीअब्जॉर्प्शन रेट को रोकते हैं कैल्सिटोनिन, ताकि यूरिन से किडनी का एक्सक्रीशन बढ़े। इस केस में क्या करते हैं, यूरिन से बॉडी से किडनी का लॉस, कैल्शियम का लॉस कराते हैं। अगला फंक्शन है कैल्शियम क्या करते हैं, इसके साथ साथ वो हंगर एंड एपेटाइट को भी थोड़ा सा अफेक्ट करता है। ये हमारे बॉडी में गैस्ट्रिक वॉल्यूम के एसिडिटी को रिड्यूस करता है, जिसके कारण क्या होता है, पैनक्रियाटिक जूस और ट्रिप्सिन का लेवल जब घटता है तो हमारी बॉडी में एपेटाइजर कम होता है, भूख लगना धीरे धीरे इंसान को कम होने लगता है, ठीक है। ये तो इसको फार्माकोलॉजिकल फंक्शन। हम बात करेंगे फ्रेंड्स इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की, कि कैल्सिटोनिन जो बेसिकली है उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, कैसे होता है। तो जो कैल्सिटोनिन है फ्रेंड, बेसिकली देखा जाए तो वो एडमिनिस्टर सोल्यूशन के फॉर्म में इसको दिया जाता है, या तो इंजेक्शन के फॉर्म में, या बेसिकली ये नेजल स्प्रे के फॉर्म में नाकों के अंदर डाला, तो हमारी नाक को जो नेजल है वो उसको एब्जॉर्ब करता है कैल्सिटोनिन को बेसिकली, ठीक है। ये नेजल स्प्रे के फॉर्म में मैक्सिमम मिलता है। बेसिकली ये नेजल स्प्रे जो होता है उसमें करीब 13 to 15 मिनट में एब्जॉर्प्शन होता है ब्लड में, और ये ब्लड में पहुंच जाता है। इसकी हाफ लाइफ करीब इसकी 18 से 20 मिनट की होती है। इसके साइड इफेक्ट की बात करें फ्रेंड, को कैल्सिटोनिन के बहुत से साइड इफेक्ट है, मेजर साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर ज़्यादा दिक्कत होने पर क्रस्टिंग, ड्राइनेस, ब्लीडिंग वगैरह हो सकती है। कुछ नॉर्मल सिम्टम्स जैसे चिल है, स्किन रैशेस है, मसल पेन, अर्थराइटिस है, साइनसाइटिस है, चेस्ट टाइटनेस है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग है, हाई ब्लड प्रेशर है, चेस्ट पेन है, पाल्पिटेशन, एब्डोमिनल पेन, नौजिया, डायरिया, वोमिटिंग, फ्लोटेनेंस एंड डिक्रीज एपेटाइट, ये सब इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं जो कि मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे विटामिन डी की। अगला टॉपिक हमारा विटामिन डी है इस चैप्टर में। और विटामिन डी आपको पता है कि एक तरह का ये फैट सॉल्युबल बीमारी है, आपको विटामिन होता है, आपने पढ़ा है एडेक ADE के जो होते हैं वो फैट सॉल्युबल होते हैं। विटामिन डी जो होता है वो एक तरह का स्टेरॉयडल रिंग उसमें होता है, ये स्टेरॉल कंपाउंड होता है जिसमें स्टेरॉयडल न्यूक्लियस पाया जाता है। इस न्यूक्लियस का नाम होता है साइक्लोपेंटाफेनहाइड्रोफेरेंथ्रीन रिंग। विटामिन डी का बेसिकली वो फंक्शन वो हार्मोन्स की तरह होता है। और विटामिन बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार के होते हैं विटामिन डी, विटामिन D2, विटामिन D3। D2 को एर्गो कैल्सिफेरॉल कहते हैं, जबकि D3 को कोलियो कैल्सिफेरॉल कहा जाता है।
ठीक है फ्रेंड, केमिस्ट्री की बात की तो इसमें देखिए स्टेरॉइडल रिंग होता है, आप देखिए डी टू और डी थ्री का स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, डिफरेंस बेसिकली कहाँ पे है, सी एस थ्री का ग्रुप का ब्लिंकेज है और बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है इसके जो कोलेस्ट्रॉल के रिंग के साथ, तो ये आप देख लीजिए स्ट्रक्चर है इसका। अब बाकी बात करते हैं कि विटामिन डी का धूप से क्या कनेक्शन होता है। आपने सबने सुना है कि धूप में बैठने से विटामिन डी बॉडी में बढ़ता है, ऐसा क्यों होता है? कि हमारे बॉडी में मेलानिन पिगमेंट होता है, क्या ही इसको समझते हैं कैसे काम करता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल इज टर्म इज इंटरमीडिएट। ठीक है, जब भी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन होता है तो जो 7 डी हाइड्रोकोलेस्ट्रॉल है वो एक इंटरमीडिएट कंपाउंड होता है जो एक्सपोजर यानी सनलाइट के एक्सपोजर आने पर ही वो कोलियोकल्सिट्रॉल में बदलता है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो 7 डी हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है जब हम धूप में जाते हैं तो हमारी बॉडी में ये इसका बायोसिंथेसिस कंप्लीट होकर वो कैल्सिट्रॉल यानी विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। यदि हमको बॉडी में धूप नहीं मिलेगी तो विटामिन डी नहीं बनेगा। ठीक है, और जो बाकी डार्क स्किन पिगमेंट होता है मेलानिन वो भी क्या करता है कि इस कोलियोकल्सिफेराइड विटामिन डी के सिंथेसिस को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बाकी स्किन जो हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन होता है क्योंकि इसमें विटामिन डी पाया का सिंथेसिस हमारे स्किन में होता है क्योंकि स्किन में क्या पाया जाता है मेलानिन, जो मेलानिन सन के लाइट के एक्सपोजर में विटामिन डी का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, एब्जॉर्प्शन की बात कर ले तो विटामिन डी जो होता है बेसिकली एनिमल सोर्स है, ये एनिमल लीवर में बेसिकली विटामिन डी थ्री एब्जॉर्ब हो जाता है डाइट से, प्लांट सोर्स से विटामिन डी मिलते हैं। एब्जॉर्प्शन डी टू डी थ्री का होता है बेसिकली इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन और बाइल में भी इसका होता है। मैकेनिज्म क्या है कि बेसिकली ये हमारे बॉडी में बाइल साल्ट के साथ मिक्स होते हैं और मिक्स होने के बाद म्यूकोसल मेम्ब्रेन में एब्जॉर्ब होते हैं और पैसो ट्रांसपोर्ट द्वारा हमारी बॉडी के ब्लड तक पहुँचते हैं। ठीक है, बाकी ट्रांसपोर्ट के द्वारा पहुंचते विटामिन डी होता है वो बेसिकली ब्लड प्रोटीन ग्लोब्यूलिन होता है उससे बाइंड करता है, उससे बाइंड करने के बाद बॉडी के सभी ऑर्गन तक धीरे धीरे पहुंचता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसका बायोकेमिकल फंक्शन क्या है। तो जो कोलेस्ट्रॉल है इसका जो बेसिकली अलग अलग तीन फंक्शन होते हैं, पहला इसको प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को मेंटेन करना होता है। ठीक है, इंटेस्टाइन क्या करता है बेसिकली इंटेस्टाइन में कैल्शियम और फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ा देता है। ठीक, क्योंकि ये कैल्शियम क्या करता है इंटेस्टाइन में जाके कैल्सिट्रॉल जो होता है वो साइटोसोलिक रिसेप्टर से बाइंड करके कैल्सिट्रॉल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है और ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है फ्रेंड बेसिकली जो डीएनए के साथ बाइंड करके और वहाँ पे जाके कि स्टेरॉइड हार्मोन्स का निर्माण करता है जो कि मैंने पहले बताया था स्टेरॉइड के मोड ऑफ एक्शन में। बोन में क्या काम करता है, बोन में बेसिकली ये कैल्शियम फॉस्फेट के लेवल को मेंटेन करता है, डिपॉजिट करता है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स यानी बोन फॉर्मिंग सेल्स को स्टिमुलेट करता है। ठीक है फ्रेंड, तो बाकी आरडीए मतलब इसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस टेक कितना है, मतलब कितना इंसान को लेना चाहिए, बच्चों में करीब 10 ग्राम पर डे इसको करीब खाना चाहिए, 400 आयु के इक्विवेलेंट और एडल्ट्स में करीब 5 ग्राम पर डे ये होना है क्योंकि बच्चों में बोन्स का ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता रहता है उसमें उनको ज़्यादा जरूरत होती है। प्रेगनेंसी के केस में भी लेडीज़ को कैल्शियम खाना होता है आयरन के साथ और 60 साल के बाद करीब 600 आयु पर डे का इसका सोर्स होता है। ठीक है, सोर्स क्या है, धूप है, बाकी ये सोर्स में देखा जाए तो फिश है और फिश लीवर ऑयल है, एग है, मिल्क जो है वो दूध का बहुत अच्छा सोर्स नहीं माना जाता है। ठीक है, तो बाकी डिफिशेंसी विटामिन के क्या दिमाग होते हैं, रिकेट्स की बीमारी है, ऑस्टियोकैल्सीमिया बीमारी है, बच्चों में रिकेट्स प्रॉब्लम होती है और बड़ों में ऑस्टियो मलेशिया होता है। रिकेट्स जो होता है वो बेसिकली विटामिन डी की डिफिशेंसी में होता है बच्चों में और इसमें क्या होता है जब बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल रहा है, धूप नहीं मिल रहा है तो उसके से बीमारियाँ ये हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू।